अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने आखिरकार साउथ अफ्रीका के खिलाफ चली आ रही हार का सिलसिला तोड़ ही दिया। अफगानिस्तान की टीम को पहली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल क्रिकेट मैच में जीत मिली है। अफगानिस्तान के खिलाफ किसी भी व्हाइट बॉल क्रिकेट मुकाबले में उसे जीत मिली और साउथ अफ्रीका की अफगानिस्तान के खिलाफ पहली हार है। अब तक 5 बार दोनों देश वनडे और टी20 में आमने सामने हुए थे और सभी मौकों पर साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी थी, लेकिन यह सिलसिला अब टूट चुका है। दरअसल शारजा में बुधवार 18 सितंबर को खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान ने पहले तो साउथ अफ्रीका को 106 रनों पर ढेर किया और फिर 26 ओवरों में 4 विकेट खोकर मैच जीतकर इतिहास के पन्ने पलट दिए। हालांकि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ये तीसरा ही मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ अफगानिस्तान की टीम का था, लेकिन पिछले दोनों मैचों में अफगानिस्तान को हार मिली थी। इस बार नतीजा जीत के तौर पर आया है। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच 2019 और 2023 वनडे वर्ल्ड कप में मुकाबले खेले गए थे और दोनों बार साउथ अफ्रीका ने मुकाबले जीते। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच ये पहली द्विपक्षीय सीरीज थी जिसके पहले मुकाबले में मेजबान अफगानिस्तान ने 6 विकेट से जीत दर्ज। अफगानिस्तान की टीम को 107 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन पूर्व कप्तान गुलबदीन नईब और अजमतुल्ला उमरजई ने टीम को जीत दिलाने की दहलीज पर पार कराई। नईब ने 34 और उमरजई ने नाबाद 25 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। गेंदबाजी में फजल अक फरूकी ने 4 विकेट निकाले थे और 3 सफलताएं युवा अल्लाह गजनफर को मिली थी। 2 विकेट राशिद खान ने भी साउथ अफ्रीका के चटकाए। अर्धशतक मैच में वियान बुल्डर ने भी जड़ा। बड़ी बात यह है कि अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 3 वनडे मैचों की सीरीज है वहां पर अब ये सीरीज इंटरेस्टिंग हो गई है क्योंकि अफगानिस्तान ने पहला मुकाबला शानदार अंदाज से जीता है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।